जी सचिवालय आप पहुंचे हैं, किन मांगों के संदर्भ में और क्या कुछ कहा मंत्री जी? आज हम सभी जो हिमाचल के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अनुबंधित कर्मचारी हैं जो अपना 1 अप्रैल को अनुबंधित कार्यकाल पूरा कर चुके हैं और 1 अप्रैल को रेगुलर होना डिजर्व करते थे, वो सभी कर्मचारी डिफरेंट डिपार्टमेंट के यहाँ पे आए हैं सचिवालय में। और हम 1 अप्रैल से जैसे कि प्रार्थना कर रहे हैं सरकार से, कभी ऐसा नहीं हुआ, हर बार 31 मार्च को नोटिफिकेशन निकल जाती थी। एक साल में 2 बार रेगुलर किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज को, 1 अप्रैल को और दूसरा 1 नवंबर, जिसकी नोटिफिकेशन हर बार 31 मार्च तक हो जाया करती थी। किंतु इस बार सर ऐसा हुआ है कि 24 दिन ऊपर चले गए हैं, जिससे हमें मानसिक रूप से तो मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी सामना करना पड़ रहा है और मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है रोज़। और हम हर दिन इस इंतज़ार में बैठे हैं कि आज नोटिफिकेशन होगी, आज होगी, किंतु हमें हर रोज़ यही आश्वासन दिया जा रहा है कि कल हो जाएगी, कल हो जाएगी। आज हम तीसरी या चौथी बार CM साहब से मिलने आए हैं और मंत्रियों से भी मिले हैं, हम श्री हर्षवर्धन जी से भी मिले हैं, जगत सिंह नेगी जी से भी मिले हैं, शांडिल जी से भी मिले हैं, प्रतिभा सिंह जी से भी मिले हैं। सब ने हमें एक आश्वासन तो दिया है, किंतु हम निराश इस बात से हैं और उस निराशा को आज हम अपने एक जो हमने काले रंग के कपड़े पहने हैं उससे हम जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। शांतिपूर्ण रूप से हम मिले हैं और बार बार हम यही प्रार्थना कर रहे हैं कि आज 24 तारीख हो गई है, आज तो हमारी रेगुलराइजेशन की नोटिफिकेशन निकाल दें। हम प्रार्थना सभी से कर रहे हैं, सबके दर दर जा रहे हैं मंत्रियों के, क्योंकि हमने अपनी कीमती वोट देके इस सरकार को चुना है और ये सरकार हमेशा जो कर्मचारी के हित में रही है। तो मुझे नहीं समझ आ रहा है कि इस बार क्यों हमें इस तरीके की मानसिक उत्पीड़न दी जा रही है। तो मेरा एक बार लास्ट में यही निवेदन है कि आज 24 तारीख को शाम तक हम सब जो भी कर्मचारी 1 अप्रैल को रेगुलर होने थे उनकी नोटिफिकेशन बिना किसी बदलाव के इशू कर दी जाए। मेरा यही CM सुक्खू साहब से निवेदन है और कृपया करके ऐसा कर दिया जाए और हम बड़े आभारी रहेंगे। मुख्यमंत्री से आप मिले? मुख्यमंत्री जी से अभी हम चलते चलते मिले हैं, इससे पहले भी हम 2-3 बार मुख्यमंत्री साहब से मिले हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है 2-3 बार पहले भी कि अगले दिन 11 बजे आपकी फाइल कर दी जाएगी, किंतु अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मुझे नहीं पता हमारा दुर्भाग्य है कि या उस फाइल में ही क्या हो गया है, बट अभी CM साहब से हम जाते जाते मिले, हमने उन्होंने हम सबको देखा कि इतने लोग आए हैं। हमने कहा सर हम आए हैं और आपसे निवेदन है कि हम डिजर्व भी करते हैं, हमारा राइट भी है, कृपया करके हमारा ये हक हमें दे दें, क्योंकि हमारा 15,000 से 25,000 रुपये का नुकसान तो हो ही गया है सर। और जब ये नोटिफिकेशन इशू हो काइंडली हमें फाइनेंशियल जो बेनिफिट है और हमारी जो सीनियरिटी काउंट हो और ज्वाइनिंग काउंट हो वो 1 अप्रैल से दी जाए और नोटिफिकेशन जल्द से जल्द निकाली जाए। अभी CM साहब से हम दोबारा मिलेंगे, चाहे हमें रात के 10 बजे तक यहाँ बैठना पड़े, बट हमारा यही निवेदन है और यही मुद्दा है। और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से आए हैं हमारे साथ, मंडी से आए हैं, कुल्लू से आए हैं, हमीरपुर से, हर जगह से हमारे साथ आज इसमें आप एम्प्लॉइज देख सकते हो। तो सरकार को हमारा दर्द समझना चाहिए, CM सुक्खू से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप हमारी बात को समझिए, हमारे दर्द को समझिए और जल्दी से जल्दी आज की डेट में तत्काल प्रभाव से नोटिफिकेशन को इशू कर दीजिए। कितनी परेशानियाँ आपको इसकी वजह से पेश आ रही है और क्या क्या दिखते जो इस बीच आपको? सर देखिए, सबसे बड़ी परेशानी एक कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय के लिए ये होती है, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट आप एग्रीमेंट बनाते हैं उसमें सबसे एक लाइन लिखी होती है ये कि यू विल बी टर्मिनेटेड विदाउट एनी नोटिस इफ योर वर्क फाउंड अनसेटिस्फैक्ट्री। तो इसमें कोई आपको कुछ भी एक्सप्लेनेशन का कुछ भी नोटिस नहीं दिया जाता। एक तो इस दबाव में एक कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई कार्य करता है, पूरी वो कार्यकाल पूरा करता है। और कई कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई तो ऐसे हैं जो नवंबर में, मान लो जिन्होंने 2 साल पूरे हो गए हैं, बट उनके तो 2.5 साल भी हो गए हैं, एक तरह से तो 2 साल से ऊपर भी कर चुके हैं कई, तो बड़ा मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। और जो सैलरी होती है कॉन्ट्रैक्ट में वो 10,000 से 12,000 होती है सर, जैसे कोई शिमला में रह रहा है तो 10-12,000, 6,000 का तो यहाँ कमरा कमरा आता है सर, खाने पीने का लगा लीजिए आप, इंसान ने अपना परिवार भी है कईयों का, कईयों की शादियाँ हुई है इतनी कम सैलरी में। और एक कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई को उम्मीद होती है कि 1 अप्रैल कब आएगा, कब वो एज अ रेगुलर एम्प्लॉई ज्वाइन करेगा और 1 मई को वो अच्छी सैलरी लेके अपने परिवार को खुशी खुशी मतलब ये बात बताएगा, न्यूज़ बताएगा। और परिवार वाले भी टकटकी लगाए बैठे हैं हम सभी के कि कब ये हमारे बच्चे हमें गुड न्यूज़ देंगे रेगुलर होने की। बट अब हमने वोट दिया है, इस सरकार को जिताया है, तो हम CM साहब से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, हम कोई स्ट्राइक, कोई धरना या कोई नारा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, हमें पता है आप कर दोगे,
बट अगर आज कर दो 24 तारीख को तो बहुत आपके हम आभारी रहेंगे। जी, हालांकि आपको मुख्यमंत्री ने और अन्य मंत्रियों ने आश्वासन दिया है, परंतु कोई समय सीमा भी होगी कि आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि कोई समय सीमा तय नहीं है। जब हम 1 अप्रैल को मिले थे तो हमें कुछ लोगों द्वारा बताया गया था कि 7 तारीख तक आपकी फाइल साइन होके नोटिफिकेशन इश्यू हो जाएगी। फिर हम दोबारा 7 को आए, सर 7 को बोलते हैं कि 15 तारीख को आप लोगों को उपहार मिल जाएगा। सर हम 15 के बाद आए, उसके बाद बोला अगले दिन हो जाएगा। आज ऐसे ऐसे करते करते सर 1 महीना बीत चुका है और इस समय सर हमारी उम्मीद भी डगमगा चुकी है। बट आप लोगों मीडिया के मतलब हम आभारी हैं कि आप लोग हमारा दर्द को समझ रहे हो और हमारी बात को हिमाचल के कोने कोने तक पहुंचा रहे हो। और सर बस यही है, आप लोगों के माध्यम से हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये नोटिफिकेशन कर दी जाए, आज की डेट में तो एटलीस्ट कर ही दी जाए। जी शुक्रिया, थैंक यू सो मच। Thank you.